शूबेल बैलेनिसेप्स रिक्स, जिसे शूबेल स्टॉर्क या हेल हेडेड स्टॉर्क भी कहा जाता है, बड़ी अफ्रीकी वेडिंग बर्ड, एक एकल प्रजाति है जो परिवार बैलेनिसेप्टिडी ऑर्डर बैलेनिसेप्टिफॉर्म्स, सिकुनिफॉर्म्स या पेलिकनफॉर्म्स का गठन करती है। इस प्रजाति का नाम इसके क्लॉक शेप्ड बिल के लिए रखा गया है, जो कि बड़ी फिसलन वाली लंग फिश उसके पसंदीदा भोजन को पकड़ने और पकड़ने के लिए एक अनुकूलन है। यह बड़ा पक्षी कछुओं, मछलियों और युवा मगरमच्छों को भी खाता है। शूबिल लगभग 115 सेंटीमीटर 3.8 फीट लंबा होता है। वे व्यापक पंखों और लंबे पैरों के साथ पूरी तरह से भूरे रंग के होते हैं। सिर शरीर के अनुपात में बड़ा होता है और आंखें भी असाधारण रूप से बड़ी होती हैं। शूबिल अपनी चोंच के जबड़ों को एक साथ प्रदर्शन के रूप में बजाता है, जिससे तेज खोखली आवाज पैदा होती है। बगले और पेलिकन की तरह शूबिल अपने सिर को शरीर से पीछे करके उड़ते हैं। वे या तो तैरती हुई वनस्पति या ठोस टीले पर घोंसला बनाते हैं और 1 से 3 सफेद अंडे देते हैं, जो लगभग 30 दिनों में निकलते हैं। शूबिल पूर्वोत्तर अफ्रीका के वाइट नील क्षेत्र में और उसके आसपास दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। शूबिल का टैक्सोनॉमिक प्लेसमेंट कुछ बहस का विषय है। इसे व्यवहारिक और रूपात्मक अध्ययनों के आधार पर पारंपरिक रूप से बगुलों, सारस और आइबिस, ऑर्डर सिकुनिफॉर्मिस के साथ समूहीकृत किया गया है। हालांकि अन्य रूपात्मक और आनुवंशिक विश्लेषण पेलिकन परिवार पेलिकिनिडे और हेमराइड, एक अन्य अफ्रीकी जल पक्षी के साथ घनिष्ठ संबंध का सुझाव देते हैं, जिसकी वर्गीकरण स्थिति स्पष्ट नहीं है। सिकुनी आईफॉर्म्स और पेलिकनफॉर्म्स दोनों की संरचना किसी भी मामले में विवादित भी है। शूबिल को कभी कभी अपने स्वयं के क्रम में रखा जाता है। बैलेनिसेप्टिफॉर्मिस जीवन काल लगभग 35 वर्ष तक युवा, प्रति क्लच 1 से 3 अंडे, आमतौर पर 2 आकार, ऊंचाई 3.5 से 4.5 फीट, 110 से 140 सेंटीमीटर, वजन महिलाएं लगभग 11 पाउंड 4.9 किलोग्राम, नर लगभग 12 पाउंड 5.6 किलोग्राम। मजेदार तथ्य, गर्मी उसके अंडों और युवा के लिए एक बड़ा खतरा होने के कारण वह बड़ा बिले कैंटीन के रूप में भी काम करता है, जिससे उसके घोंसले में पानी भर जाता है। शूबिल का नाटकीय बिल डच लकड़ी के जूते जैसा दिखता है। उनके शिकार की रणनीति को कभी कभी प्रिजन सीज रणनीति कहा जाता है। शूबिल को पहले स्टॉर्क के रूप में माना जाता था, लेकिन आनुवंशिक शोध ने उन्हें पेलिकिनिफॉर्म्स और परिवार बैलेनिसेप्टिडे के सदस्य के रूप में फिर से वर्गीकृत किया है, जो बड़े जल पक्षी है, आनुवंशिक रूप से पेलिकन और बगुलों के करीब है। शूबिल मछली खाने वाला है, मुख्य रूप से मछली खा रहा है, विशेष रूप से लंगफिश, साथ ही बिचिर, तिलापिया और कैटफिश। हालांकि यह कभी कभी अन्य शिकार का शिकार करता है और खाता है, जैसे मेंढक, छिपकली, पानी के सांप, घोंघे और कृंतक। शूबिल की आबादी का सटीकता के साथ मूल्यांकन करना विशेष रूप से कठिन है, क्योंकि वे कहां रहते हैं और उनकी मायावी प्रकृति है, लेकिन इसमें गिरावट आई है। कुल मिलाकर 5000 से 8000 के बीच का अनुमान है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने आवास के विनाश, गड़बड़ी और शिकार के कारण इसे असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया है। शूबिल में प्रजनन, घोंसले के शिकार और शिकार के लिए विशिष्ट निवास स्थान की आवश्यकता होती है, और उनके दलदलों और दलदलों को धीरे धीरे कृषि भूमि या मवेशियों के चरने के लिए चरागाहों में परिवर्तित किया जा रहा है। कभी कभी और कुछ कोनों से वे टिप परिखूब के साथ अपनी लंबी उस तरह तेज चोंच को देखते हुए बल्कि खतरनाक दिखाई दे सकते हैं। वे बेहद प्यारे और लगभग कार्टून जैसे भी हो सकते हैं। उनके पास हड़ताली पीली नीली आंखों वाले जीन हैं, जो उन्हें वास्तव में वास्तविक नहीं दिखा सकते हैं। वे वास्तव में अद्वितीय और सुंदर पक्षी हैं। शूबिल की तुलना में केवल बड़े डंठल वाली प्रजातियों में धीमी गति से फड़फड़ाहट होती है। उनकी चोंच लंबाई में 24 सेमी और चौड़ाई 20 सेमी 7.4 से 9.4 इंच तक पहुंच सकती है, जो उन्हें 3.2 फीट 1 मीटर आकार की मछलियों या सांपों का शिकार करने में मदद करती है। वे पूरे खाने से पहले अक्सर अपने शिकार को मारने के लिए जाने जाते हैं। शूबिल पानी में परेशान मछली का फायदा उठा सकता है और हमला कर सकता है। शूबिल अक्सर रात में खाता है और अपने शिकार का शिकार करने के लिए तैरती वनस्पतियों पर खड़े होने के लिए भी जाना जाता है, जिससे शूबिल के शिकार करने और अपने शिकार को पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। बिल क्लैटरिंग असली सारस का व्यवहार है।
वे एक उच्च पिच वाली कराह भी निकाल सकते हैं और यहाँ तक कि गाय की तरह मुंह की आवाज भी निकाल सकते हैं। नेस्टिंग शूबिल शूबिल और बड़े पक्षियों से 2 से 4 वर्ग किलोमीटर 1 से 1.5 वर्ग मील के बीच अपने क्षेत्र की शक्ति से रक्षा करेगा। परेशान करने वाली बात यह है कि ये वास्तव में बड़े पक्षियों में आम है। अक्सर बड़े और बड़े चूजे छोटे चूजे को चोट पहुंचा सकते हैं, जबकि उनके माता पिता घोंसले से दूर होते हैं और अंत में उसे घोंसले से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। शोध बताते हैं ये ऊर्जा दक्षता और योग्यतम की उत्तेजिविता के कारण है। दूसरे अंडे को बैग अप की तरह देखा जाता है। अगर पहले अंडे में कुछ भी गलत होता है, आमतौर पर सबसे पहले हैच करने वाला ही बचता है। ये नाम पक्षियों की बहुत विशिष्ट चोंच के संदर्भ में है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।